हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गार्डन में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कबूतरी आप देख रहे हैं, या कबूतरी अभी इस अशोक के पेड़ में आएगी और यहाँ पर घोंसला बनाया हुआ है। तो ये जो हमारे पेड़ हैं, इन पेड़ पर पता नहीं कितने सारे पक्षियाँ, अलग अलग तरह की चिड़िया रहती हैं। तो चिड़ियों का घर तो यहाँ पर बना ही है, कबूतर का घर तो बना ही है, साथ साथ में हमारे प्लांट जो हमारे इंडोर प्लांट हैं वो गर्मी से भी बचे रहते हैं। तो उन सभी प्लांट को मैंने इधर की साइड में रखा हुआ है और यहाँ पर जो है धूप नहीं आती है, बिल्कुल ना के बराबर आती है। तो ये मेरे जो प्लांट हैं वो अच्छे से हैं, क्योंकि जैसे कि अब जो इतनी तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं तो उससे क्या सारे प्लांट झुलस जाते हैं और कुछ प्लांट झुलस भी गए हैं। तो उनको बचाने के लिए भी मैंने थोड़ा सा जो है क्या क्या किया है, मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगी। और इधर का गार्डन मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है फ्रेंड्स, तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी जगह में और किस तरीके से और वेस्ट मटेरियल का यूज किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, स्टैंड देख लीजिए। स्टैंड मैंने यहाँ पर लोहे के जो पाइप आते हैं तो उनको ईंट पर रखकर इस तरह से तीन लेयर में ये स्टैंड तैयार किया है। तो इस तरह के आपके पास पाइप हो या लोहे की लकड़ी हो तो उस तरह से आप ये स्टैंड बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आपका स्टैंड खरीदने का खर्चा बच जाएगा। और जैसे ये पेड़ हैं तो पेड़ के ऊपर भी मैंने इस तरह से ये देख सकते हैं चिड़िया के घर बनाए थे, और उनके ऊपर ये ग्रीस लगा हुआ है तो गंदे से लग रहे हैं। तो इसको दोबारा से कलर करूंगी, क्योंकि एक साल से ज़्यादा हो गया जब इनके ऊपर कलर किया था। तो ये देखिए चिड़िया के घोंसले कितने सुंदर लगते हैं। और ये हैं मैंने जो बोतल से प्लांटर बनाए हैं, तो इनके अंदर मैंने बास्केट प्लांट लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्लांट बिल्कुल आपको हरे भरे दिखाई देंगे, लेकिन गर्मी में ये देखिए, ये पता नहीं इसका क्या नाम है, ये देखिए जी बिल्कुल झुलस गया है। लेकिन ये जैसे ही बरसात शुरू होगी ये दोबारा से हो जाएगा। देखिए इसकी पत्तियाँ, ये देखिए, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, प्लांट भी बेचारे क्या करें। तो इनको मैंने इस तरीके से यहाँ पर बचाया है, और अगर इनको हम सीधा धूप में रखेंगे तो ये सारे के सारे ही ख़त्म हो जाएंगे, फिर मुझे एक भी प्लांट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सिंगोनियम देख सकते हैं, ये अलग अलग वैरायटी के, देखिए इसमें भी ये देखिए पत्ते बहुत केयर से रखती हूँ। और ये देखिए ये मनी प्लांट है, तो ये इसे मतलब सर्दियों में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, अब गर्मियों में थोड़ा सा इतना सा निकल के आया है, धीरे धीरे बरसात में अच्छा हो जाएगा। लेकिन प्लांट के लिए मौसम सारे अच्छे हैं और सारे बेकार हैं, दोनों ही बात हैं। गर्मी भी नहीं होगी तो प्लांट नहीं चलेंगे, सर्दी नहीं होगी तब भी नहीं चलेंगे, बरसात नहीं होगी तब भी नहीं चलेंगे। तो इनके लिए जो है हमें ऐसा अनुकूल वातावरण बना के अपने आप से भी रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे प्लांट हरे भरे रहें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने सारे ही जो मेरे बड़े प्लांट हैं उन पर मैंने इस तरह से बोतल से हैंगिंग प्लांट टांग दिए हैं, तो ये देखने में सुंदर लगते हैं और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल से इस तरह के प्लांटर बना करके आप लगा सकते हैं और दीवार पर भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह का स्टैंड बनाया हुआ है, और एक ये साइकिल पड़ी हुई थी पुरानी, तो इस साइकिल को मैंने कलर करके इस तरह से दही के जो डब्बे होते हैं उसके अंदर मैंने प्लांट लगा करके इसको भी यहाँ पर डेकोरेट किया है। तो ये मैंने इसको यहाँ पर बीच में रखा है, क्योंकि फ्रेंड जगह का जो है देखना पड़ता है, यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह मिलती है वहीं पर कुछ ना कुछ मैं तैयार कर लेती हूँ। ये टायर है, टायर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और इसके अंदर सिंगोनियम का प्लांट लगाया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सभी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा धूप नहीं मिलती है और ये इनके लिए यहाँ पर जो है ठंडक रहती है, तो इसीलिए ये प्लांट हमारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कोई एक आध पत्तियाँ हो जाती हैं, जब क्योंकि धूप वो गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए मनी प्लांट की मैंने कटिंग इस प्लांट के अंदर लगा दी है, और एक प्लांट ये है, तो देखिए गर्मी से इसकी पत्तियाँ झुलसने लगी हैं, ये देखिए। लेकिन जो पत्तियाँ झुलस जाएँ उसको ऐसे निकाल देना चाहिए, उससे क्या होगा ना प्लांट हमारा आगे ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह से निकाल देनी चाहिए, ये इंतज़ार मत करो कि भाई मौसम ठीक होगा तभी हम करेंगे, नहीं, इससे क्या होगा और सारा प्लांट हमारा नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसी तरह से इन पत्तियों को साथ के साथ ही निकालती रहती हूँ। ये देखिए मनी प्लांट, और मनी प्लांट के अंदर ये देखिए मैंने एक स्टिक पर एक बोतल को इस तरह से फेस बना करके लगा दिया है। और यहाँ पर भी ये देखिए जनाडू का प्लांट, बहुत सारे प्लांट है फ्रेंड्स। अब आप देखते हैं क्रोटन का जो प्लांट है, इसको इतनी गर्मी पसंद नहीं है, तो इसलिए इसकी पत्तियाँ देखिए किस तरह से झुक रही हैं। जहाँ बरसात शुरू होगी ये बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा है इस टाइम पर, तो इसीलिए ये प्लांट थोड़ा इस तरह के हो जाते हैं। ये वाला प्लांट देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ, अभी नई नई ग्रोथ इसकी निकल के आई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जुगाड़ करके बहुत सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे प्लांट किस तरह से मैंने लगा रखे हैं, तो हर तरफ आपको प्लांट ही प्लांट दिखाई देंगे और जुगाड़ ही जुगाड़ दिखाई देगा।
अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे प्लांट मैं कटिंग से तैयार करती हूँ, तो आप भी इस तरीके से कटिंग से तैयार करके बहुत सुंदर सा एक गार्डन बना सकते हैं। ये देखिए जींस है, जींस से मैंने इस तरह से ये किए प्लांटर बना करके रख दिया था, थोड़ा अभी ऐसे ही हो रहा है, इसका दोबारा से करूंगी। और यहाँ पर देखेंगे कटिंग से कितने सारे प्लांट मैंने मटकी के अंदर, डब्बे के अंदर, तो इस तरह से मैं बना करके लगाती हूँ। और एक देखिए ये भी एक DIY बनाया था, इसका पंख नीचे गिरा हुआ है, तो इसको भी दोबारा से, क्योंकि पुरानी हो जाती हैं चीज़ें तो दोबारा से करना होता है। तो ये कनस्तर है, देखिए कनस्तर को भी मैं इस तरह से डेकोरेट करके प्लांट लगा देती हूँ या स्टैंड बना लेती हूँ, ये भी स्टैंड बनाया हुआ है। और यहाँ देखेंगे ये भी एक कुर्सी का स्टैंड है, तो मटकी को उल्टा करके इस तरह से, पहले मैंने यहाँ पर प्लांट लगाए हुए थे, उनको हटा करके यहाँ पर इसको रखा है। इसमें एक ही प्लांट है, स्पाइडर प्लांट, और मटकियों को उल्टा करके इस तरह से आप DIY बना करके लगा सकते हैं। और ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये एक टोकरी है, टोकरी के अंदर मैंने जो बाल्टी का कुंदा होता है, प्लास्टिक की बाल्टी का, ये देखिए, तो इससे मैंने ये टोपियारी बनाई है। और इसका, इसकी ग्रोथ देख लीजिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये देखें मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस तरह के जुगाड़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए, ये कनस्तर है और कनस्तर के नीचे बाल्टी है, तो उन दोनों को मिला करके मैंने एक प्लांटर बनाया। और ये प्लांट भी आप देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये यहाँ पर रखा हुआ था, तो यहाँ पर क्या था, दोनों तरफ से गर्म हवाएं लगती थी, तो मैंने कल इसको यहाँ पर अंदर कर दिया है। अब दो चार दिन के बाद ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है अपने प्लांटर बचाने भी पड़ते हैं, प्लांट भी बचाने पड़ते हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, ऑयल की बाल्टी हैं, जो गाड़ी वाड़ी वगैरह में गिरता है, तो उसी का मैंने इस तरह से प्लांटर, इसके अंदर भी ये टर्टल वाइन लगा हुआ है, लेकिन गिलहरी ने इसको काट दिया है, तो उसके अंदर वैसे उसकी जड़ें हैं, तो फिर दोबारा से ग्रो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मटकी, ये देखिए मटकी पीछे छुप गई है, ये रही मटकी के अंदर सिंगोनियम का प्लांट है ये। तो गर्मियों में जो है प्लांट आप मिला के रखें, जिससे कि आपके प्लांट बचे रहें। और ये देखिए प्लांटर, इसकी कितनी लंबी टर्टल वाइन हो गई है, ये देखिए। और एक प्लांटर ये है, और एक ये देखिए, ये भी एक बाल्टी है छोटी सी, तो इसको भी मैंने प्लांटर बनाया। और ये एक लाठी है, तो लाठी को मैंने इस तरह से कलर करके इसके ऊपर इन सभी को हैंग कर दिया है। तो इस तरह के आइडिया देखने के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, और आप नई नई चीज़ें बना करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये है गार्डन को खूबसूरत बनाने के टिप्स। इस तरीके से फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे अपने प्लांट का, तो आपके प्लांट भी हरे भरे रहेंगे, और आप छोटी छोटी चीज़ों को बना करके अपने गार्डन में लगाते रहेंगे, तो आपका गार्डन काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और जो मैंने परसों की वीडियो डाली थी, अनोखे आइडिया, तो फ्रेंड्स वो मैं अभी आपको और भी पूरा गार्डन दिखाऊंगी। देखिए, एक वीडियो में सारा कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि गार्डन इतना बड़ा है, कवर करूंगी तो कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करके आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस चीज़ के प्लांट हैं, ये देखिए। तो बीज से भी बहुत सारे प्लांट उगाती हूँ फ्रेंड्स, ये छुआरे के बीज मैंने यहाँ पर लगा दिए थे, और छुआरे के ये देखिए प्लांट निकल के आ गए हैं। तो छुआरे के भी बहुत सारे प्लांट आ गए हैं, निकल के मैं क्या करती हूँ, जैसे कि बीज होते हैं तो मैं गमलों के अंदर दबा देती हूँ, तो ये देख सकते हैं आप। तो मैं ये नहीं सोचती कि भाई वो जब उसका मौसम होगा तभी उसको लगाऊंगी, बस मौसम तो अपने आप से बनता है, जब भी उनका, तो वो अपने आप से निकल के आ जाते हैं। बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कितने सारे प्लांट ये रहे यहाँ पर छुआरे के। तो मैंने बीज से फ्रेंड्स बहुत सारे प्लांट अपने तैयार किए हैं, मेरे पास जामुन का, आम का, अमरूद का, और अंगूर की बेल, चीकू का, तो सारे प्लांट मैं जो है बीज से ही उगा लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी बीज से बहुत सारे प्लांट उगा सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले गार्डन की अगली सीरीज दिखाने के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको मेरा गार्डन। ओके, बाय बाय।